नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज हम बात करेंगे चार्जिंग एंड स्टार्टिंग मोटर सर्किट के MCQ के बारे में। तो शुरू करते हैं जल्दी से। ऑटोमोबाइल फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल में किस प्रकार की बैटरी प्रयोग की जाती है? तो लेड एसिड बैटरी का प्रयोग किया जाता है ऑटोमोबाइल में। नेक्स्ट है, वाहनों में बैटरी डैश के द्वारा चार्ज की जाती है। इलेक्ट्रोलाइट, इन्वर्टर, डायनमो, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डायनमो के द्वारा। नेक्स्ट है, बैटरी प्लेटें बनी होती है, रबड़ की बनी होती है, शीशे की, लोहे की, इनमें से कोई नहीं। तो बैटरी की प्लेटें शीशे की बनी होती है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रोलाइट विशिष्ट घनत्व होता है, तो इसका है 1250 से 1280 तक का होता है। ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट है, बैटरी के अंदर शॉर्ट सर्किट का कारण, तो अगर क्या हो सकता है अगर बैटरी के अंदर शॉर्ट सर्किट होता है, तो जो सेपरेटर होता है वो अगर खराब है तो बैटरी के अंदर शॉर्ट सर्किट होता है। नेक्स्ट है, बैटरी टर्मिनलों पर कार्बन युक्त परत चढ़ने का क्या कारण है? तो कार्बन युक्त चढ़ने का कारण है ऑक्सीडेशन का होना। नेक्स्ट है, लेड एसिड बैटरी है एक विद्युत रासायनिक युक्ति। ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट है, बैटरी के आंतरिक निरावेश का कारण है त्रुटि प्लेट सेपरेटर। ऑप्शन सी है इसका। नेक्स्ट है, बैटरी के सेलों में कितनी ऊंचाई तक इलेक्ट्रोलाइट भरा होना चाहिए? तो बैटरी के सेलों की ऊंचाई तक इलेक्ट्रोलाइट भरा होना चाहिए 15 mm के ऊपर तक। नेक्स्ट है, बैटरी बॉक्स किस धातु का बना होता है? प्लास्टिक, एल्यूमिनियम, हार्ड रबड़, बैकेलाइट। तो इसका सही आंसर है हार्ड रबड़ का बना होता है। नेक्स्ट है, बैटरी चार्जिंग केस में इलेक्ट्रोलाइट की आपूर्ति के द्वारा की जाती है, तो किसके द्वारा की जाती है? आसुत जल के द्वारा। नेक्स्ट है, अनावेशित बैटरी किससे आवेशित होती है? तो यह डायनमो से होती है। नेक्स्ट है, बैटरी की पूर्ण चार्ज अवस्था में अपेक्षित घनत्व का मान क्या होता है? तो होता है 1260 से 1280 तक। नेक्स्ट है, डायनमो निम्न में से कौन सी धारा उत्पन्न करता है? तो डायनमो होता है डायनमो डीसी, और अल्टरनेटर होता है उसमें एसी धारा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है, ओवर चार्जिंग के प्रभाव से खराब होता है, तो ओवर चार्जिंग के प्रभाव से बैटरी खराब होती है। नेक्स्ट है, डायनमो के मुख्य भाग होते हैं फील्ड आर्मेचर एवं फील्ड कॉइल, कम्यूटेटर, कार्बन ब्रश, बॉडी, वो साइड कवर, उपरोक्त सभी। तो आंसर है इसका डी, उपरोक्त सभी, ये सारे होते हैं डायनमो के भाग। डायनमो में चुंबकीय क्षेत्र बनता है, तो डायनमो में चुंबकीय क्षेत्र बनता है फील्ड कॉइल के द्वारा। डायनमो में बाइंडिंग होती है, तो डायनमो में बाइंडिंग दो पोलों पर होती है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां, डायनमो अथवा अल्टरनेटर द्वारा बैटरी आवेशित ना करने का सामान्य कारण होता है? तो इसका है आंसर ए, फैन बेल्ट का ढीला होना। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 20 है, डायनमो ब्रश बने होते हैं, तो डायनमो ब्रश जो होते हैं वो किसके बने होते हैं? तांबे के, पीतल के, लोहे के, कार्बन के। तो डायनमो ब्रश जो होते हैं वो कार्बन के बने होते हैं। नेक्स्ट है, जब इंजन की स्पीड कम हो जाती है तब डायनमो की आउटपुट क्या होती है? घटती है, बढ़ती है, वैसी ही बनी रहती है, या घटती बढ़ती रहती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए,
घटती है। जब इंजन की स्पीड कम हो जाती है तो डायनमो की आउटपुट भी घटती है। आगे है नेक्स्ट, चित्र में जो दिखाया गया है एक्स के रूप में क्या है ये? तो ये कॉन्टेक्ट पॉइंट है। नेक्स्ट है, डायनमो अवेशित प्रणाली में वाहन की हेडलाइट शीघ्र क्यों जल जाती है? तो क्यों जल जाती है? रेगुलेटर में वोल्टेज सेटिंग बहुत उच्च होती है। नेक्स्ट है, डायनमो का अधिकतम निर्गम कब होता है? तो इसका आंसर है सही, सभी बल्ब जलते रहें तथा बैटरी पूर्ण रूप से निरावेशित होती है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए चित्र में एक्स के द्वारा क्या दर्शा रहा है? तो जो एक्स के द्वारा क्या दर्शा रहा है ये है बैटरी। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिव को नियंत्रण करने के लिए किस प्रकार का प्रयोग किया जाता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को नियंत्रण करने के लिए धारा रेगुलेटर प्रणाली का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में प्रदर्शित अल्टरनेटर में प्रयुक्त होने वाला रोटर किस प्रकार का होता है? तो ये सोलियंट पोल रोटर है। नेक्स्ट है, एक अल्टरनेटर में कितने डायोड प्रयुक्त होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक अल्टरनेटर में कितने डायोड प्रयोग होते हैं? 1, 2, 4, 6। तो आंसर है इसका 6। एक अल्टरनेटर में 6 डायोड प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट है, कम्यूटेटर से धारा ली जाती है किसके द्वारा? कार्बन ब्रश के द्वारा। नेक्स्ट है, अल्टरनेटर के विद्युत वाहक बल्ब को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? वोल्टेज को कम करते हैं। अल्टरनेटर एसी को डीसी में बदलता है किसके द्वारा? रेक्टिफायर के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही है। किसी वाहन में चालक द्वारा इग्निशन स्विच को स्टार्ट की ओर घुमाने पर क्या होता है? तो बैटरी स्टार्टिंग मोटर को धारा प्रदान करती है। नेक्स्ट है, स्टार्टर मोटर होती है सीरीज वो शंट वाउंडिंग में? आंसर है इसका डी। स्टार्टर मोटर जो होती है सीरीज वो शंट वाउंड में होती है। नेक्स्ट है, स्टार्टर मोटर के शिफ्टर सोलेनोइड में सीरीज कुंडल में चुंबकीय क्षेत्र न्यून से निर्मित होता है। पूर्ण बल वोल्टेज लागू करने के दौरान स्टार्टर मोटर के शिफ्ट सोलेनोइड सीरीज कुंडल में चुंबकीय क्षेत्र न्यून में से निर्मित होता है। तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, पूर्ण वोल्टेज लागू करने के दौरान। अगला है, बैटरी बूस्ट स्टार्टर मोटर के बीच अधिक वोल्टेज ड्रॉप का कारण क्या है? तो मोटर परिपथ में उच्च प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा भाग स्टार्टर मोटर में नहीं लगता? आर्मेचर, कार्बन ब्रश, फ्रंट बेयरिंग, रियर बेयरिंग। तो इसका सही आंसर है फ्रंट बेयरिंग। नेक्स्ट है, स्टार्टर मोटर कितने हॉर्स पावर तक मिलती है? तो स्टार्टर मोटर 40 हॉर्स पावर तक मिलती है। अगला है, स्टार्टर मोटर निम्न में से क्या होती है? सीरीज बाउंड, पैरेलल बाउंड, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सी आंसर सही है, सीरीज और पैरेलल बाउंड। अगला है, स्टार्टर मोटर के इंजन को प्रज्वलित न कर पाना इनमें से कैसा दोष है? डेड बैटरी, संयोजन संबंधी, वायरिंग संबंधी, ये सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, सेल्फ स्टार्टर प्रयोग करने से हेडलाइट पर निम्न में से क्या प्रभाव पड़ता है?
तो सेल्फ स्टार्टर प्रयोग करने से हेडलाइट पर मंद पड़ जाती है। क्या करते हैं, जब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और हेडलाइट ऑन होती है तो वो थोड़ी सी बंद हो जाती है, और जब गाड़ी स्टार्ट हो जाती है तो दोबारा से वो चालू हो जाती है। तो इसका आंसर है मंद पड़ जाती है। नेक्स्ट है सेल्फ पिनियन की अपेक्षा फ्लाई व्हील रिंग गियर में दांते होते हैं, तो होते हैं अधिक। सेल्फ स्टार्टर एक मोटर है जो चलती है, किसके द्वारा चलती है, डीसी से। नेक्स्ट है इंजन की बंद अवस्था में इनमें से क्या लाभ होता है, ऊर्जा के रूप में ईंधन की बचत, इंजन के अवयवों की सुरक्षा, ए और बी दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर है इसका सी, ए और बी दोनों, ऊर्जा के रूप में ईंधन की बचत और इंजन के अवयवों की सुरक्षा। नेक्स्ट है सेल्फ स्टार्टर की फील्ड कॉइल बनी होती है, तो सेल्फ स्टार्टर की फील्ड कॉइल तांबे की बनी होती है। नेक्स्ट है इंटरनल कंबशन इंजन स्वतः स्टार्ट होने में समर्थ नहीं होता, इस हेतु क्या अनिवार्यता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, बाहरी अवयव की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट है निम्न में से किसके कारण इंजन धीमे तो चलता है परंतु स्टार्ट नहीं होता। ऑप्शन है इसका सी, खराब बैटरी, खराब इग्निशन प्रणाली। क्या पूछा था क्वेश्चन, कि किसके कारण इंजन धीमा तो चलता है परंतु स्टार्ट नहीं होता, तो क्या होगा, खराब बैटरी और खराब इग्निशन प्रणाली सिस्टम। नेक्स्ट है सेल्फ सर्किट में वायरिंग जलने से बचाने को लगाते हैं, तो सेल्फ सर्किट में वायरिंग को जलाने के लिए सोलेनॉइड स्विच का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है सेल्फ स्टार्टर में ड्राइव मैकेनिज्म रिंग गियर के साथ क्या होता है, जुड़ता और टूटता है। सेल्फ स्टार्टर का जो पिनियन होता है उसके साथ ड्राइव मैकेनिज्म फ्लाई व्हील का जो रिंग होता है वो जुड़ता है। जब स्टार्ट ऑन हो जाते हैं, जब फ्लाई व्हील घूमने लगता है तो सेल्फ स्टार्टर का जो पिनियन होता है वो पीछे आ जाता है। नेक्स्ट है कि बड़े इंजनों का परिचालन डैश संभव है, कंप्रेस्ड एयर द्वारा, छोटे स्टार्टिंग इंजन द्वारा, एवी दोनों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। आंसर है इसका सी, ए और बी दोनों द्वारा। नेक्स्ट है सोलेनॉइड स्विच सेल्फ को धारा देता है, तो सीधे धारा देता है, ठीक है। अगला है सोलेनॉइड की सीरीज वाइंडिंग प्रायः बनी होती है, तो सोलेनॉइड की जो सीरीज वाइंडिंग होती है वो पतली तारों से बनी होती है। नेक्स्ट है, क्योंकि ये चित्र में दिखाया गया है एक्स के रो में, ये क्या चीज है, तो ये है शिफ्ट लीवर। नेक्स्ट है ऑटोमोबाइल इंजन डैश संचालित होते हैं विद मोटर के द्वारा, ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन एक दोष की श्रेणी में नहीं आता, इंजनों में निकास वाल्व को खुला बनाए रखना, आंसर है इसका डी, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है उद्यमों, ट्रांसपोर्ट, कृषि, मैरीन तथा स्टेशनरी आदि क्षेत्रों में किन इंजनों का प्रयोग करता है, तो डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, एवी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।